की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सफ्रान द्वारा भारत के IMRH कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए नया 3000 SHP इंजन। DRDO ने चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज भविष्य के UCAV-UUA प्रोग्रामों के लिए रनवे को बढ़ाया। भारतीय नौसेना के लिए विशेष सुखद समाचार, INS विक्रांत ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत होगा शामिल। अर्जेंटीना LCA तेजस और JF-17 के प्रस्ताव के बजाय F-16 के लिए अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। सफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन के CEO सेड्रिक गुबेट ने भारतीय मीडिया को संबोधित करते हुए सामर्थ्यशाली एक नए इंजन के विकास की पुष्टि की है। यह 3000 SHP इंजन विशेष रूप से भारत के प्रस्तावित IRMH इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उत्कृष्ट इंजन का विकास 50-50% विभाजन पर सहयोग के रूप में HAL के साथ किया जाएगा, जो भारत की रक्षा बलों के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करेगा। इसे विकसित करने के लिए एक नई तकनीकी यंत्रशाला बेंगलुरु के नजदीक एक नए क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जो भविष्य में हेलीकॉप्टर परियोजनाओं के साथ सहज सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। भारत की हवाई शक्ति की बेहतर क्षमता के लिए यह विकास महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विकास क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संगठन ने चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR के रनवे को 1 किलोमीटर तक विस्तारित किया है, जिससे रनवे की कुल लंबाई लगभग 3.13 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना के लिए विकसित किए जाने वाले बड़े उच्च ऊंचाई लंबे समय तक विमानों HALE क्लास UAVs के परीक्षण को सुगम बनाना है। यह सुविधा भविष्य में जेट संचालित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल UCAV के परीक्षण में भी उपयोगी होगी। भारतीय नौसेना ने विमान वाहिनी के लिए राफेल एम मैरिन प्रकार का चयन अमेरिकी F-18EF सुपर हॉर्नेट से प्राथमिकता दी है। यह चयन राफेल एम के छोटे फुटप्रिंट, वायुसेना में इसे सुखार और उपनियंत्रकों के संगतता के लिए किया गया है। अमेरिकी F-18EF सुपर हॉर्नेट भारतीय विमान वाहिनी के नोएर के नागरिक वायुयान के दोगुने प्रमाण पर होता है। राफेल एम और भारतीय नौसेना के वर्तमान वायुयान MiG-29 के का अधिकतम उतरन वजन 25 टन से कम होता है, जबकि F-18EF सुपर हॉर्नेट जो एक भारी वायुयान है उसका अधिकतम उतरन वजन 30 टन के करीब है। राफेल एम के लघु उतरन वजन के कारण वायुसेना को उपनियंत्रक ऑपरेशन में अधिक लचीलता होती है। भारत ने रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें रासायनिक ऑक्सीजन आयोडाइन लेजर कॉल तकनीक के उपयोग से एक हवाई निदेशित ऊर्जा प्रणाली के विकास का प्रारंभ किया गया है। यह लेजर तकनीक भारत की मिसाइल रक्षा रणनीति को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखती है और आक्रमणकारी बॉलिस्टिक मिसाइलों को अवरोधित और नष्ट करने के लिए शक्तिशाली माध्यम प्रस्तुत करती है। भारत अपने एयरबोर्न लेजर टेस्ट बेड ALTB के विकास से इस प्रणाली की संभाव्यता और प्रभाव को दिखाने का लक्ष्य रखता है। यह परियोजना एक वाणिज्यिक विमान का संशोधन करने को शामिल करती है, जो नाक करेट में उच्च ऊर्जा लेजर हथियार स्थापित करेगा। निर्देशित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग रक्षा परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है, जिसमें स्ट्रैटेजिक एसेट्स की सुरक्षा, अनमैन एरियल व्हीकल्स UAV का मुकाबला करना और समग्र युद्ध क्षेत्र क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना को समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। इस महान वी एयरक्राफ्ट के सम्मेलन से INS का ईस्टर्न नेवल कमांड बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर के क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य और नौसेना के संचालन को मजबूत करेगा। वेस्टर्न नेवल कमांड के पास भी उसका खुद का INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट है, जो भारतीय महासागर के वेस्टर्न भाग में नौसेना ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। INS विक्रांत के साथ विशाखापत्तनम नौसेना का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जो नौसेना के संचालन, जहाज निर्माण और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा। प्रमुख भारतीय एरोस्पेस फर्म स्काईहॉक एरोस्पेस ने दिल्ली में चौथे ड्रोन इंटरनेशनल में अपने नवीनतम मानव रहित हवाई वाहन UAV का प्रदर्शन किया। इनमें स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पुष्पक और C-35E वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग VTOL मल्टीरोल UAV शामिल थे। सामरिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया पुष्पक UAV उच्च ऊंचाई वाले कार्गो संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो अधिकतम 5700 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। -30 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक के विभिन्न तापमानों में इसकी अनुकूलनशीलता विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ADB के सहयोग से विकसित UAV को कार्गो संचालन के लिए तैयार किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके डिजाइन में कुशल कार्गो हैंडलिंग के लिए कंधे पर लगे सीधे पंख और ट्विन बूम माउंटेड पूंछ की सुविधा है।
ओंडास होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड नस्ताक ONDS की सहायक कंपनी लिमिटेड ने एरो अ टू जेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की। भारत में ड्रोन और स्वचालित डाटा समाधान के लिए प्रमुख प्रदाता ओंडास ने यह साझेदारी के माध्यम से भारतीय बाजार में अपनी पेशकश का विस्तार किया है। एरोबोटिक्स और एरो ए टू जेड ने भारत में ऑप्टिमस सिस्टम, एक पूरी तरह से स्वचालित ड्रोन सिस्टम, और आयरन ड्रोन COAS, एक पूरी तरह से स्वचालित ड्रोन इंटरसेप्टर का प्रस्तुतीकरण किया है। मेयर क्लाइनर, CEO ऑफ एरोबोटिक्स, ने एरो ए टू जेड के साथ व्यापार का विस्तार करने की उम्मीद जताई। एरो ए टू जेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल OEMs के साथ सहयोग करते हुए भारत में स्वचालित US समाधान प्रदान करता है। अर्जेंटीना 2015 से सेवानिवृत्त हुए मिराज विमानों की जगह 15 नए लड़ाकू जेट विमानों के लिए एक रास्ते पर खड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स के चौकस नजर है, जो दानिश F-16 की बिक्री के लिए अर्जेंटीना के पक्ष में दबाव डाल रहा है। दानिश F-16 के अलावा चीन के JF-17 और भारत के HAL तेजस भी विकल्पों में है। अर्जेंटीना की रक्षा अधिकारियों को विमानों के प्रदर्शन, लागत, दीर्घकालिक रखरखाव, संगठनात्मकता और रणनीतिक साझेदारियों को वजन में मिलाकर एक चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना होगा, जो दशकों तक विमान बल की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालेगा।